विधानसभा चुनाव से एन पहले दलितों का भरोसा जीतने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक झटके में 16% दलित वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। सीएम ने SC ST के परिवार के सदस्य की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। BJP और JDU इस फैसले को दलितों के हितों में बताते नहीं थक रही है। वहीं कांग्रेस इस फैसले को नीतीश सरकार की प्रशासनिक विफलता करार दे रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने नीतीश सरकार के इस दलित कार्ड की आलोचना की है। राठौर ने कहा कि दलितों की हत्या रोकने की कोशिश नीतीश सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या प्रशासनिक विफलता की भरपाई नौकरी देकर की जा सकती है। राठौर ने कहा कि सरकार को दलितों की हो रही हत्या पर रोक लगाना चाहिए। तो इस दृष्टि से देखता हूँ कि दो दृष्टिकोण है, हत्याएं क्यों हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को कदम वो उठाने चाहिए जिनसे ऐसी घटनाएं ना घटे। नीतीश जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका हत्याएं रोकने का और नौकरी का कोई आपस में लॉजिक नहीं है। हत्या होना एक चीज है, नौकरी मिलना एक चीज। नीतीश जी का हत्याएं ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अब अगर वो ये कहे कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बिहार के अंदर होता जा रहा है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की भरपाई नौकरी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे घटनाएं बढ़ेंगी सर? घटनाएं बढ़ेंगी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। वही राठौर ने लगे हाथों DGP गुप्तेश्वर पांडे पर भी अपनी खींच उतारी। राठौर ने कहा कि नीतीश सरकार और उनके अधिकारी हर वक्त नौटंकीबाजी में लगे रहते हैं। आपके DGP गुप्तेश्वर पांडे जी तो वो उनको भी सोशल मीडिया में रहने का शौक है, वो हास्यास्पद बातें करते रहते हैं, परंतु मुझे लगता है ना, मैं उनको भी सुनता हूँ, मुझे उनकी भी बात में कोई सीरियसनेस कभी नजर नहीं आती। तो वो कहावत है, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। मीडिया फोबिया क्या? तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उनका सोशल बिहेवियर है तो मुझे लगता है कि वो उन्हें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को थोड़ा सा निखारना चाहिए। मीडिया पे कम रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सख्त रखें, डेली कब SPs की मीटिंग लें, डेली वो लें। वो ठीक है, अच्छी बात है, वो सीधा कॉन्स्टेबल से बात करते हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डेली अपने SPs के साथ रूटीन के अंदर मीटिंग डेली होने बहुत जरूरी है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल। क्या सस्ती लोकप्रियता लेने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से, ये कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की बात थोड़ी। अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो तो क्राइम रेट में डाउनफॉल हो, पूर्ण रूप से फेलियर है। तो ये तो नौटंकी वालों की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वही नौटंकियाँ चल रही। ठीक है सर। राठौर ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है और शराब माफिया मनमानी कर रहे हैं, जबकि किसानों की हालत बदतर है और शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। राठौर ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने में नीतीश सरकार नाकाम रही है, इसीलिए बिहार की जनता चुनाव में बदलाव लाना चाहती है। बिहार के अंदर तो बहुत मुद्दे हैं, पिछले 2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। शराबबंदी के कारण माफिया पूरा बिहार के अंदर पनपा हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर बिहार टॉप की पोजीशन पे चल रहा है। किसान की दुर्दशा बिहार के अंदर बहुत बुरी, अगर मैं कहूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा बुरी व्यवस्था कहीं किसान की है तो वो बिहार में है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, तकरीबन ना केवल विद्यार्थियों का जीवन संकट में है, शिक्षक भी सड़कों पर हैं। अस्पतालों की आप स्थितियाँ देखें तो मुझे लगता है कि कोरोना को हैंडल करने के लिए हेल्थ के विषय में सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है। चमकी बुखार में हम लोगों ने देखा कि सरकार का पूरा फेलियर रहा, उसके बाद कोरोना पिछले 4 महीने से है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हेल्थ की सुविधाएं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। तो हर एक वर्ग जो है वो इस सरकार से पीड़ित हुआ है। राठौर ने कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी प्लानिंग के लॉकडाउन लागू कर दिया, इसकी वजह से बिहार के गरीब लोगों को 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता अब चुनाव में मोदी सरकार को जवाब देगी।
देखिए कोरोना काल में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि बगैर किसी प्लानिंग के लॉकडाउन को कर दिया गया और लाखों लाखों की तादाद में हमारे बिहार के भाई बहन पैरों में छाले उनके डल गए और बेरहमी से सरकार जो है वो कोई नीति का निर्धारण नहीं कर पाई और यहाँ तक हुआ कि व्यवस्थाएं जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी उन व्यवस्थाओं के अंदर भी बहुत बड़े तरीके से अड़चने लगाई गई। तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर इस बात का रोष है और दुख है और मुझे लगता है कि चुनाव के अंदर लोग अपने रोष को प्रकट करेंगे। एससी और एसटी के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने की जिम्मेदारी नीतीश सरकार की है। सरकार को सबसे पहले ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए जो इस तरह के जुर्म में शामिल है। वहीं पीड़ित परिवार की मदद करना भी सरकार का कर्तव्य है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसकी टाइमिंग चौंकाती है। अगर नीतीश सरकार वाकई में दलित समाज पर हो रहे अपराध को लेकर गंभीर थी तो ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। एन चुनाव से पहले इस तरह के फैसले की वजह से विपक्ष नीतीश सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।